किसान अपनी मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली आने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार किसानों को रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। तो किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो क्या कुछ रहा किसान आंदोलन के 8वें दिन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान पिछले 8 दिनों से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। किसानों ने ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों को रोकने के लिए लगातार पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, आंसू गैसों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी है। इसी कड़ी में शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान बुधवार को दिल्ली रवाना होंगे, जिसके लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी मशीनरी लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों ने यह फैसला केंद्र के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात की, इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो, एमएसपी देने के लिए 1.75 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है। 5 फसलों में एमएसपी से देश भर के किसानों का समाधान नहीं हो सकता। ये पंजाब आधारित प्रस्ताव है, ये फसलें अभी भी लगभग एमएसपी या अधिक भाव में बिक रही हैं। मुद्दा ये है कि जो फसलें एमएसपी से नीचे बिक रही हैं, उन्हें एमएसपी पर खरीदा जाए। जिन 23 फसलों पर पहले से एमएसपी लागू है, किसान उन्हीं फसलों पर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी कानून बनाने की प्रमुख मांग कर रहे हैं। किसान ये नहीं चाहते कि उनकी पूरी फसल सिर्फ सरकार खरीदे, बल्कि किसान खुले बाजार में भी अपनी फसलों को बेचने पर न्यूनतम कीमत को लेकर गारंटी चाहते हैं। किसानों का कहना है कि एमएसपी के नीचे उनकी फसल को सरकार, प्राइवेट कंपनियां या पब्लिक सेक्टर की एजेंसियां कोई भी नहीं खरीद पाए, और अब एक बार फिर किसानों ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली आकर ही रहेंगे। सरकार जब तक किसानों की बात नहीं मानेगी, किसान पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों ने साफ कर दिया है, अब देखना होगा कि सरकार किसानों को रोकने के लिए और क्या कुछ करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।